जोजो किड्स। सपेरे के सपने। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास ही के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभाल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से, अरे मेरी टोकरी से, ये सब सांप कहाँ चले गए, ये सांप कहाँ चले गए। सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया, ओहो हो, मैंने आज दो दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे, इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया, आज का दिन बहुत बुरा है। मेहनती किसान। एक गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वह खेती किया करता था। उसी खेत में दो चूहे भी रहते थे। अरे भागो यहाँ से, भागो, तुमने मुझे परेशान करके रखा है। गोपाल उन चूहों को जब भी भगाता, वही चूहे शाम तक दोबारा लौट आते। अरे भाई, हम कहाँ जाएं इन खेतों के अलावा, अब तो ये खेत ही हमारा घर है। दोनों चूहे खेत को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। एक दिन अचानक गोपाल के खेतों में आग लग गई। अरे ये क्या, ये आग कोई बुझाओ, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे खेत जल रहे हैं, कोई मेरी मदद करो, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। चूहे भी वहाँ से दुम दबाकर भागने लगे। बेचारा गोपाल, कितनी मेहनत से उसने खेती की थी, सारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, क्यों ना हम इसकी कुछ मदद करें। हाँ पर कैसे, चलो हाथी के पास मदद के लिए चले। हाथी भाई जल्दी करो, जल्दी हमारे साथ चलो, हमारा दोस्त गोपाल बहुत मुसीबत में है। क्या हुआ? उसके खेतों में आग लग गई है, वो बहुत रो रहा है, तुम चलकर उस आग को बुझा दो। हाथी दोनों चूहों की मदद करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही तीनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि गोपाल पास के तालाब से बाल्टी भर भर कर पानी लाता और अपने खेतों पर फेंकता, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया और पूरे खेत में पानी डालकर आग को बुझा दिया। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे खेत बच गए, नहीं तो मैं क्या खाता और क्या बेचता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चूहे और हाथी, तुमने आकर मेरी बहुत मदद की। क्या अब हम इन खेतों में रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मगर ध्यान रखना, मेरा सारा अनाज तुम ही मत खा लेना। दो चूहे टिंकू और मिंकू एक बड़े से जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हर समय वो साथ साथ रहते थे।
एक साथ खेलते, एक साथ हर काम करते। एक दिन दोनों नदी के किनारे घास पर मजे से सो रहे थे। अचानक एक चूहे की आवाज आई। दोनों डर के जाग गए और घबरा कर इधर उधर भागने लगे। अरे ये कैसी आवाज है, अरे बहुत डर लग रहा है, छुप जाते हैं कहीं। तभी उन्हें फिर से वही आवाज दोबारा सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज है। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हाथी मस्त चाल से नदी की तरफ आ रहा है। उसके पैरों की आहट से सभी छोटे छोटे जानवर घबरा कर इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी ऐसे मस्त चाल चल रहा है कि कोई भी उसके पैरों के नीचे आ जाएगा। हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। अरे अरे दूर नहीं जाएंगे, पास के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हाँ 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 चलो चलो। टिंकू और मिंकू झट से पास के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर उन्हें मिनी गिलहरी मिलती है। अरे तुम दोनों मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से। अभी चले जाएंगे, जरा मस्त हाथी को यहाँ से जाने तो दो। नहीं नहीं अभी जाओ, तुम लोगों ने मेरी बहुत मूंगफलियाँ चुरा कर खाई हैं। आज यहाँ मेरी मदद चाहते हो, जाओ यहाँ से। दोनों को पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। अरे कहाँ छुपे, चलो इस छोटे से पिल में घुस जाते हैं। नहीं नहीं यहाँ तो साफ है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ छुपे, अरे जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ सोचो, हाथी तो इधर ही आ रहा है, आज तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतने में गिलहरी ऊपर से कहती है, अगर तुमने कभी अच्छे काम किए होते तो आज तुम्हारे दोस्त होते और सब तुम्हारी मदद करते। सदा सबका भला किया करो दोनों, समझे। हाँ, समझ गए समझ गए। बंदर और मगरमच्छ। एक सेब के पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था। पेड़ एक नदी के किनारे पर था। उस नदी में एक मूर्ख मगरमच्छ रहता था, मगर वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर रोज मगरमच्छ को अपने पेड़ के मीठे सेब खिलाता। यह बात जब मगरमच्छ की पत्नी को पता चली तो उसने सोचा कि बंदर तो रोज इतने मीठे मीठे फल खाता है तो उसका दिल तो और भी मीठा होगा। यह सोचकर उसने अपने पति मगरमच्छ से कहा कि उसे बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाया क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत डरता था, इसीलिए वह बंदर के पास उसका दिल लेने चला गया। पेड़ के पास पहुंचकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी बीवी तुमसे बहुत खुश है, वह तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। बंदर को लगा शायद ये कोई दावत का न्योता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी बीवी से मिलकर मुझे खुशी होगी, मैं तुम्हारी बीवी के लिए मीठे मीठे सेब ले चलता हूँ। बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर मगरमच्छ अपने घर की ओर चल पड़ा। मगरमच्छ को लगा उसकी बीवी बंदर का दिल पाकर खुश हो जाएगी और इस खुशी के मारे वह बोला, दोस्त तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा होगा। पता है आज मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाकर और भी खुश हो जाएगी। तुम इतने अच्छे मीठे सेब खाते हो तो उसे लगा कि तुम्हारा दिल तो और भी मीठा होगा। बंदर तुरंत समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। इसकी बीवी मुझे मारना चाहती है और ये बेवकूफ उसकी बातों में आकर मेरा दिल लेने आ गया। बंदर को एक उपाय सूझा, वह झट से बोला, अरे दोस्त तुम कितने नादान हो, मैं तो सिर्फ सेब लेकर आया हूँ, दिल तो वही पेड़ पर है, पहले कहा होता तो मैं दिल अपने साथ ही लाता। अब इस तरह बिना दिल के जाएंगे तो आपकी बीवी नाराज होंगी, चलिए मुझे वापस पेड़ के पास ले चलिए, मैं अपना दिल तुरंत ले आता हूँ। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। बंदर ने अपनी चाल चल ली, उसे अपनी जान जो बचानी थी। जब मगरमच्छ बंदर को लेकर पेड़ के पास पहुंचा, तब बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख तू बहुत दगाबाज दोस्त है, अपनी बीवी के लिए अपने दोस्त का दिल खिलाने वाला था,
शुक्र है रास्ते में तूने मुझे सच बता दिया और मैंने अपनी जान बचा ली। चला जा यहाँ से, तुझे और तेरी बीवी को ना दिल मिलेगा और ना ये मीठे सेब, समझे? एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गोरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा तो ये बात है, चलो मैं चल कर देखता हूँ। चिड़िया कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या, ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। रानी मधुमक्खी नंदू अमरूद बेचने वाला पूरे गांव में अपने मीठे मीठे अमरूदों के कारण बहुत मशहूर था। उसके सारे अमरूद तुरंत ही बिक जाया करते थे। नंदू के पास अमरूद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता भी था। कैसी हो मधुमक्खी रानी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बताओ आज बाजार में तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। तुम तो जानती हो मेरे अमरूद खाने के लिए लोग कितनी दूर दूर से आते हैं। मेरे सारे अमरूद बिक गए और यह सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम्हारे डर से मेरे पेड़ पर कोई पक्षी आने की हिम्मत भी नहीं करता। ऐसा नहीं है, तुम भी हमें कुछ नहीं कहते, हम तुम्हारे पेड़ पर रहते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही दिन अमरूद तोड़ते समय नंदू की नजर मधुमक्खियों के छत्ते पर गई। अरे ना बड़ा हो चुका है इनका छत्ता, इसमें तो बहुत शहद होगा। अगर इसे बाजार में बेचा जाए अच्छे पैसे मिल सकते हैं। नंदू के मन में लालच आ चुका था। अच्छा कुछ करना होगा, आज रात को जब मधुमक्खियाँ सो रही होंगी तो इन्हें भगाकर पूरा शहद निकाल लूंगा। बेचारी मधुमक्खियाँ इस बात से अनजान थीं। रात के समय नंदू जब हाथ में मशाल लिए पेड़ की तरफ बढ़ा, तभी अचानक रानी मधुमक्खी की आँख खुल गई।
अच्छा तो ये बात है, इसे अभी मजा चखाती हूँ। और रानी मधुमक्खी बिना डरे तुरंत बाकी मधुमक्खियों को उठाने लगी। चलो इसे मजा चखाते हैं। सारी की सारी मधुमक्खियाँ नंदू के पेड़ के पास पहुँचते ही उस पर हमला कर देती हैं। नंदू दर्द से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे मैं तो यूं ही आ रहा था पेड़ के पास, मुझे छोड़ दो, अरे रानी मक्खी मुझे छोड़ दो। लालच बुरी बला है। प्लीज सब्सक्राइब।